हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे आरओ एआरओ को लेकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में आपको समझा दूं, क्योंकि इसका जो है नोटिफिकेशन आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ 2023 ये उत्तर प्रदेश की भर्ती होती है, आपको पता है समीक्षा अधिकारी आप बनते हैं इसमें। बट इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर आपने देखा हो तो ये आपका सुपर टेट से मिलता जुलता है, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, उन सभी से। सुपर टेट तो आप देख ही रहे हैं, कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे इसके पहले जो है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, उस टाइम पे भी सरकार जीत गई बिना स्टूडेंट के वोट के भी। ठीक है, स्टूडेंट्स वोट करें या ना करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 15 लाख बच्चे वोट नहीं देंगे। अगर उनको 3 वोट भी किसी से ज़्यादा मिल जाता है तो भी वो जीत जाते हैं, और ये शायद उन्हें पता है ना। तो उस टाइम पे सुपर टेट आया, और अभी आप देख रहे हो लोकसभा का चुनाव है। अगर इस बार भी नहीं दिए, अगर उनको ये पता, उनको लगा कि नहीं हम तो जीत जाएंगे, तो आप जान सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो बस आप एक सुपर टेट के भरोसे मत रहिए। आरओ एआरओ का, चाहे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आपका सीटेट पास है, नहीं पास है, इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में 30 है, 33 है प्रतिशत, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मतलब कुछ बाउंडेशन नहीं है, ये सभी के लिए है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, आरओ एआरओ 2023 का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि इसमें आप सभी एलिजिबल हो। क्योंकि इसका अगर मैं आपको बताऊं ना एग्जाम, तो ये 2-2.5 साल में वैकेंसीज आती है, हर साल नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग आप सब जानते ही हैं। ये जो आरओ एआरओ है, जैसा यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का है, हर साल वैकेंसीज आती है, चाहे थोड़ा ही है बट आती है। आरओ एआरओ में तो ऐसा है ही नहीं। अभी तक आपको मैं बताना चाहूँ तो 2-2.5 साल हो चुके हैं, इस बार वैकेंसीज आने वाली है, इसका कैलेंडर भी आपने देखा होगा, इसीलिए कंफर्म है एग्जाम होना, क्योंकि कैलेंडर भी आया। बट हाँ, एग्जाम डेट की उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कि इसका आरओ एआरओ का फॉर्म जो है आपको कब से देखने को मिलेगा। तो जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो चीज़ें पता चली हैं, पॉसिबिलिटीज है कि आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, और आप चाहते हो कि सुपर टेट के अलावा ऐसी कौन सी वैकेंसीज है जिसमें आप बैठ सकते हैं, तो वो ये है। क्योंकि बीएड बीटीसी इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसमें योग्यता क्या है। और हाँ, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि हम बीएड रनिंग है, जस्ट अभी एडमिशन लिया है, क्या हम भर सकते हैं, जी हाँ, बीएड बीटीसी आपने किया है नहीं किया है मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, सब कुछ भी किया है चलेगा, परसेंटेज मैटर ही नहीं करता है। 33 है, 50 है, 45 है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। एज 21 से 40, अब 21 से 40 के बीच में है, आप फॉर्म भर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। फॉर्म का पैसा बहुत ही मिनिमम है, ₹125 ही, एंड इवन शायद SC ST को शायद उनका निःशुल्क भी है, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। तो ₹125 है। इस एग्जाम में इंटरव्यू होना नहीं है, इंटरव्यू नहीं होना है। जो आप पढ़ते हो ना, हिंदी, GS, हिस्ट्री, बस यही आपके एग्जाम में आने वाला है। पेपर का पैटर्न देख लीजिए ताकि आपको लगे कि यस, आप ये फॉर्म भर सकते हो। सीटेट आपका क्लियर नहीं हो पाया, जरूरी नहीं है कि आप सीटेट नहीं क्लियर कर पाए तो आप बहुत ही वीक स्टूडेंट है। आपने देखा होगा 10th 12th फेल जो कई स्टूडेंट है, वो इस समय जो IAS भी बन चुके हैं, तो मैटर नहीं करता है। कभी कभी घर के हालात या फिर आसपास का कुछ चीज़ें सही नहीं चलती है, उस वजह से भी हमारा सीटेट नहीं क्लियर हो पाता है। ये हर एग्जाम में है, तो कोई नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने आपको ये बता दिया, एज भी बता दिया, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड बीटीसी नहीं चाहिए, ₹125 है, इंटरव्यू होगा नहीं। अब इसमें होता है, आवेदन आपका जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन होता है, एक पेपर टू होता है। पेपर वन आपका 140 नंबर का होगा, पेपर टू आपका 60 नंबर का होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, बट पेपर वन में देख तो लीजिए पूछता क्या है 140 में से। हिस्ट्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी करते होंगे ना, वो सभी GS पढ़ते हैं, क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में आपने देखा होगा उसमें आपका करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ तो पूछता ही है ना। वो दो दो तीन तीन नंबर के लिए आपने पूरा GS पढ़ ही लिया होगा, और 4 साल से तो भर्ती ही नहीं आई होगी, तो इससे बेटर आपको कोई एग्जाम मिल भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भरते हो, आप उसके हिसाब से तैयारी करते हो, ये तो निकलेगा ही, साथ में सुपर टेट भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है अधिकारी वाला है। आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर तो हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है, EVS तो सभी एग्जाम में आ रहा है, KVS में भी आया था, इवन KVS में भी सारी चीज़ें पूछी गई थी, ज्योग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल, अब यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल तो होगा ही, जैसे कि सुपर टेट में भी पढ़ना होता है। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
तो ये आपका पेपर वन है 140 क्वेश्चन का। पेपर टू देख लेते हैं, 60 नंबर का है। पेपर टू में केवल हिंदी आती है, बस हिंदी तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। हिंदी तो आप सीटेट में पढ़ते हो, यूपीटेट में पढ़ते हो, हर एक एग्जाम के लिए। और हिंदी आपका जो है 60 नंबर का आएगी प्योर, और ये जो है आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, केवल हिंदी पढ़ना है। पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, विलोम, विशेषण और वाक्य शुद्धि, वो वाक्य बनाने के लिए वाक्य जो गलत वाक्य लिखा रहेगा आपको सही बताना होगा। तो बस आप देखो ना एक बार, क्या ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? यहाँ पर केवल जीएस पढ़ना है पेपर वन में, और पेपर टू में केवल हिंदी पढ़नी है। तो ये आपका प्री एग्जाम क्लियर, उसके बाद आपका मेंस होगा, सिलेक्शन तो इसी पे होगा, मेंस से ही। बस मेंस आपका क्लियर, आप बन गए अधिकारी, बट इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू के डर से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं भरते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे अभी इवन देखिए ना केवीएस में भी इंटरव्यू है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पे इंटरव्यू लगा दिया है। और इंटरव्यू के डर की वजह से बच्चे सोचते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम मिल जाए जहां पर केवल पढ़ना हो, पढ़ के हम पास कर लेंगे। तो इसके लिए आप सभी के लिए है। तो अभी आप जो है खाली बैठने से अच्छा है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। देखो सीटेट का एग्जाम अभी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप दोबारा से सीटेट देने लगते हो, दोबारा से यूपीटेट, तो टाइम वेस्ट है ना। इससे बेटर कि आप इसकी तैयारी करिए, क्योंकि ये तो आने वाला है, और ये इस बार होगा आपको पता है, ये उससे पहले ही हो जाएगा, जून जुलाई में आवेदन होगा, उसके बाद से आपके पास मुश्किल से 90 दिन का समय रहेगा। 90 दिन के समय में ही उसके बाद आपका ये हो जाएगा, प्री और मेंस खत्म, देन रिजल्ट। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट भी होते हैं। फॉर्म की फीस भी ज्यादा नहीं है सीटेट की तरह कि 1200 रुपए आपको देने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे बताना। और हाँ, एज याद रखना 21 से 40 है, और ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, बस और कुछ नहीं मांगा है। सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। आपने जस्ट बीएड में एडमिशन लिया, बीटीसी में एडमिशन लिया है, मैं तो यही बोलूंगी इसकी तैयारी करो, क्योंकि ये जो बड़ा एग्जाम है ना सुपर टेट, ये आप जानते भी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी राजनीति होती है, आप सब जानते हैं। सुपर जो शिक्षक भर्ती आती है ना, आपने देखा वो हमेशा एक राजनीति का हिस्सा बन जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कोई भी राजनेता आएंगे, वो इसी पे खेलते हैं कि हमको ले लो हम देंगे भर्ती, हमें ले लो हम देंगे। और योगी जी का तो खास, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है कि हमें लो चाहे ना लो, उन्हें पता है कि राशन वगैरह दे लेंगे हमें वोट मिल जाएगा, ये आप सब जानते हैं। पिछली बार भी इतना बड़ा धोखा दिया कि 17,000, ये तो आप कोई भूलेगा नहीं। चलो अभी तक तो कटिंग में आते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग में आती है, ट्वीट किया जाता है, बट ये शिक्षा मंत्री ने खुद सामने आके बोला कि हम 17,000 वैकेंसीज देंगे, और सब बच्चे तैयारी करने लगे। इतना बड़ा धोखा कि बोल के और वापस भी ले लिया, बोला ही नहीं उसके पास, एकदम चुप हो गए। 17,000 वैकेंसीज लाने वाले थे, सुपर टेट का चुनाव का समय था, जैसे ही चुनाव जीते ये भी गया, गायब हो गया। ये 51,000 एक इतना बड़ा मुद्दा है, जो इस वजह से काफी बच्चे जो है मेंटली टॉर्चर होते हैं, उन्हें बस ये उम्मीद रहती है कि इस साल आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, फिर उसके बाद से आता ही नहीं है। अब सबकी मजबूरी है भाई, कोई बस एक सुपरटेट के एग्जाम के भरोसे आप चार चार साल अपने पूरी अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है एक एक इस एग्जाम के भरोसे तो नहीं खराब कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग फॉर्म भरना, जब आएगा तब देख लेंगे। एक बात और बता रही हूँ, जिसने इस एग्जाम की तैयारी कर ली ना, और बीच में अगर सुपरटेट आ जाता है, उसकी गारंटी रहेगी, क्योंकि सुपर टेट में हिंदी और ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनकी गारंटी तो फिक्स है कि उनको नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर आपका यहाँ होता भी नहीं है ना, फिर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इसका फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चल पाता है कि आरओ की भी वैकेंसीज आई थी और चली भी गई। तो मैं मेरे चैनल से जुड़े रहो, जब भी आएगी बता दूंगी अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सीटेट की क्लास डेली होती है, मैं टेलीग्राम पे आपको टाइम बता देती हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, साथ में नोट्स भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।